अस्सलाम वालेकुम, एसएस किचन में वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हरी मिर्ची गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे चंद ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि है सबसे पहले तो ये मैंने गोश्त लिया हुआ है, बीफ 1 किलो बीफ है मेरे पास, और इसके अंदर मैं ये एक अदद हरा सॉरी प्याज काट के ये चॉप करके बारीक सा ये एक अदद डालूंगी। हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए, ये चॉप अदरक है जो कि मिर्चों के ऊपर डलेगा और वो फिर इसमें जाएगा, और ये बहुत सारी देखें हरी मिर्चें हैं ये मैंने ले ली है, मिक्स ले ली है, थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी, और इस तरह के कट्स लगा लिए। ठीक है, इस तरह की सारी मिर्चों में कट लगा लेना है, और साथ में लेमन ले लेना है, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये नमक है हसबे ज़रूरत, राई है 1 टेबल स्पून, और ये आमचूर पाउडर 1 टीस्पून यानी कि खटाई पाउडर। तो चलें अब हम इसको कुक करने चलते हैं। फ्रेंड्स मैंने ऑयल गरम कर लिया है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, ये देखें 3 अदद मैंने इसमें लौंग ले लिए और 2 इलायचियाँ। सबसे पहले हम ये डालेंगे, इसके बाद हम गोश्त डालेंगे इसके अंदर, गोश्त का कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ये देखो चेंज हो चुका है, और अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये पेस्ट चला जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर जाएगा प्याज, इसी शेप का प्याज, प्याज में हमने कच्चा डालना है, और फ्रेंड्स तब तक हमने इसको कुक करना है स्लो फ्लेम पे जब तक ये लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो चलिए हम इसको 2 से 3 मिनट कुक करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए लहसुन थोड़ा सा भुन गया है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है, तो अब इस स्टेज पर हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है, ताकि ये प्याज आपको नज़र आ रही है ये इसमें गल जाए, और तब तक फिर हम ढक्कन लगा के इसको कुक होने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, और हम आँच कम कर देंगे इसको, और दूसरी तरफ मैं आपको हरी मिर्चें इसके लिए अलग से फ्राई करके दिखाती हूँ। तो चलिए ये मैं लिड लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स दूसरी तरफ मैंने पैन में ये ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, और अब इसमें मैंने ये जो कट लगाई हुई हरी मिर्चें हैं ये डाल देनी है इसमें, और इनको हमने कलर देना है, थोड़ा सा कुक करना है कि बस कलर आ जाए। ज़रा बच के ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें से वो हो रही है, उठ रही है आवाज़ें, और दूसरी तरफ ये गोश्त कट करेंगे हम। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो रही है, अब जब ये भुन जाएगा गोश्त तो पानी खुश्क होने के बाद, तो इसमें प्याज बिल्कुल गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स ये देखिए मिर्चों का एक एक साइड जो है ब्राउन हो चुका है, अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये चॉप की हुई अदरक डालूंगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा, और साथ ही में थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैं ये राई जो है पिसी हुई येलो वाली राई ये मैं इसमें ऐड करूंगी, ये देखिए राई ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये राई चली गई, और ये मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ इसका, ताकि जल ना जाए, एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे ये हाफ लेमन, हाफ लेमन जूस है ये इसमें जाएगा, और बस अब इसे हम साइड पे रख लेंगे, तब तक जैसे गोश्त गल जाए तो फिर उसके अंदर 5 मिनट पहले इसको हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स इस स्टेज पे इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको, और दोबारा हम इसको ढक्कन लगा के गल जाने तक इसको पकाएंगे।
फ्रेंड्स बीच बीच में मैंने इसमें पानी डालती रही हूँ और ये देखिए गोश्त अच्छे से गल भी चुका है और पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब ये भुन भी गया है तो इस स्टेज पर अब हम इसमें आमचूर पाउडर और जो थोड़ा सा नमक रह गया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। आमचूर पाउडर इसमें डालना ज़रूरी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें फ्राई की थी राई के साथ वो भी हम ऐड करेंगे इसी टाइम, यानी कि गोश्त को रेडी होने में अभी मज़ीद 5 मिनट बाकी हैं तो उससे पहले हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है। तो ये चलिए ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी और मुझे थोड़ी हरी मिर्चें कम लग रही हैं तो मैं इसमें कच्ची हरी मिर्चें भी और ऐड करूँगी और इसको हम 5 मिनट मज़ीद ढककर पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए गर्मा गर्म हरी मिर्चों वाला गोश्त रेडी है और इसको हरी मिर्च गोश्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी हरी मिर्चें जाती हैं। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, आप अपने घर पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो चलें मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलें अब सर्व करते हैं हम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे नए देखने वाले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स इसमें आप देखें कुछ हरी मिर्चें लाइट कलर की हैं तो कुछ डार्क कलर की हैं। इसमें जो लाइट कलर है वो वाली कुक हैं, ठीक है, राई के साथ जो मैंने कुक की हुई थी और बाकी मैंने इसमें एंड में खुशबू के लिए मज़ीद डाल दी। और ये अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हरी मिर्ची वाला गोश्त रेडी है, इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मुझे नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए।